दोस्तों होमगार्ड से संबंधित देश के अलग अलग राज्यों से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। हर जिले में कमेटी करेगी होमगार्डों के मस्टर रोल की जाँच। होमगार्ड की ड्यूटी लगाने के नाम पर हुए घोटाले के बाद शासन ने सभी जिलों में समान रूप से मस्टर रोल की जाँच कराने का निर्णय लिया है। सभी डीएम को एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर 34 माह के मस्ट रोल की जांच कराने का आदेश दिया है। प्रमुख सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने बताया कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के मस्ट रोल में अनियमितता की जांच जिलों में अलग अलग तरीके से किए जाने की जानकारी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप होमगार्ड को उनके बड़े वेतन पर 6 दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 तक के एरियर का भुगतान किया जाना है। शासन ने निर्णय लिया है कि हर जिले में एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी जिसमें एएसपी व जिला कमांडेंट सदस्य होंगे। कमेटी प्रत्येक ड्यूटी स्थल के 6 दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 के मध्य 34 माह के मस्ट रोल की जांच करेगी। दोस्तों बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। एरियर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 34 माह के आपके मस्ट रोल की जांच शुरू कर दी जाएगी। कमेटी गठित करने के बाद ये जांच होने लगेगी और जैसे ही जांच हो जाएगी आपका एरियर आपके खाते में पहुंच जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के बागपत से। यूपी में जल्द की जाएगी 22,000 महिला होमगार्ड की भर्ती। चेतन चौहान। यूपी के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि इस समय प्रदेश में 1.1 लाख होमगार्ड कार्यरत हैं। इनमें महिला होमगार्डों की संख्या करीब 4,500, इनमें करीब 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही करीब 22,000 महिला होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। महिला होमगार्डों की भर्ती होने से महिला उत्पीड़न पर भी रोक लगेगी। वेतन घोटाले के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी होमगार्ड को नौकरी से नहीं हटाया गया, सभी होमगार्ड ड्यूटी कर रहे हैं। अब उनका वेतन मस्ट रोल प्रमाणित होने के बाद सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ी होने का सवाल ही नहीं उठता। रहा सवाल होमगार्ड की ड्यूटी में धांधली या फर्जीवाड़े की, अब वह पुरानी बात हो गई है। इस मामले में कई सस्पेंड हो चुके हैं या कई दोषी अफसर जेल जा चुके हैं। दोस्तों अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि महिला होमगार्ड्स के 22,000 पदों पर भर्ती बहुत ही जल्दी शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगी मैं कोशिश करूंगा कि वो अपडेट भी आपको सबसे पहले दे सकूं। चलिए चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। होमगार्ड भत्ता घोटाले के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज। एडीजे एसएस पांडे ने होमगार्ड की तैनाती का फर्जी मस्टर रोल तैयार कर वेतन हड़पने के मामले में निरुद्ध अवैतनिक कंपनी कमांडर सुशील कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है। सरकारी वकील दीपक यादव के मुताबिक अभियुक्त पर गुडम्बा थाने में अनाधिकृत रूप से फर्जी मोहर का इस्तेमाल कर कूटरचित मस्टर रोल तैयार करने का आरोप है। इस मामले की FIR प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने थाना गुडम्बा में दर्ज कराई थी। बीते 25 नवम्बर को इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था, जबकि इसी मामले के अभियुक्त निलंबित जिला कमांडेंट कृपा शंकर पांडे और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर राजकुमार वर्मा लखनऊ की जिला जेल में बंद हैं। बीते माह कोर्ट ने राजकुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं अवैतनिक कंपनी कमांडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते ही होमगार्ड मुख्यालय के अफसरों ने इसे विभाग से निष्कासित कर दिया था। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है। झारखंड से आवेदन की तिथि 30 जनवरी तक बढ़ाई गई। यहां पर देखें पूरा विवरण। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी हिजीबाग ने होमगार्ड झारखंड होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2020 के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। उम्मीदवार अब 30 जनवरी 2020 तक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। झारखंड रक्षा वाहिनी के कुल 1021 होमगार्ड पदों के लिए इस भर्ती अभियान का संचालन कर रही है। कुल में से 804 पद होमगार्ड ग्रामीण के लिए, जबकि बाकी 217 होमगार्ड शहरी के लिए है। होमगार्ड ग्रामीण के लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा 7वीं पास है, जबकि 10वीं कक्षा या मैट्रिक या SSC परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवार होमगार्ड शहरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से होमगार्ड जवानों कार्य अवधि आयु सीमा 62 वर्ष करने पर संशय। प्रदेश सरकार ने 19 दिसंबर 2019 को शासन के सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया था, जिसमें तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्य दैनिक वेतन भोगी व स्थायी कर्मचारियों की सेवा में बने रहने की अधिकतम आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की जानकारी दी गई थी, लेकिन जिले में होमगार्ड सैनिकों के लिए यह आदेश अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका है। इस बारे में होमगार्ड सैनिकों को भी आदेश पर अमल करने की कोई जानकारी नहीं है। वहीं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा भी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। जिले में 800 से ज्यादा होमगार्ड सैनिक पहले से वेतन के लिए 2 माह से इंतजार कर रहे हैं। वहीं आयु सीमा वाले आदेश को लेकर भी उन्हें विभागीय प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना पड़ रहा है। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग देश
के किस राज्य से होमगार्ड है। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने राज्य का नाम लिखिए, अपने जिले का नाम लिखिए और आगे लिखिए होमगार्ड, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। पर अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।